हाय एवरीवन दिस इज़ वानिका आज का टॉपिक है हमारा दामोदर रिवर पे दामोदर रिवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा इसको सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता था तो कहा जा रहा है कि इसका जो सौरव है वो अभी भी कंटिन्यू करता है जो इसका इसकी वजह से लोगों को दुख पहुंचता है नुकसान पहुंचता है लाखों करोड़ों की संख्या है लोगों की तो अभी भी वैसा ही है इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी वेस्ट बंगाल स्टेट एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनको बता दूँ स्मार्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे साथ जैसे वेस्ट बंगाल पी हो गया वेस्ट बंगाल जुडिशरी कोर्स हो गया वेस्ट बंगाल एस हो गया टी हो गया जी हो गया और uh, इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए स्क्रीन पे जो नीचे नंबर्स दे रहे हैं उस पर आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं अब देखिए रिवर रिसेंटली दो रीजन की वजह से न्यूज़ में था किस रिवर की बात हो रही है दामोदर रिवर की पहला रीजन इसका न्यूज़ में रहने का है कि जो एन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने इस पर इम्पोज किया है फाइन फाइन हुआ है वन पॉइंट सिक्स नाइन मतलब रिवर को फाइन नहीं हुआ है फाइन किसको हुआ है चंद्रपुर यूनिट है एनर्जी कंपनी है एक आपकी दामोदर वैली कॉरपोरेशन बहुत फेमस है ये डी वी सी इसको कहते हैं कि आप दामोदर रिवर को पल्यूट कर रहे हो इसलिए इस कंपनी पे फाइन हुआ है 1.69 करोड़ का दूसरा रीज़न इसका न्यूज़ में रहने का है रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल फ्लड्स इतने ज़्यादा आए इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्स में दामोदर रिवर की वजह से फ्लडिंग हुई है और इसके कनेक्शन में जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी उन्होंने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा और ब्लेम किया डी को यानी आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन को कि इसकी वजह से फ्लड्स यहाँ पर आए हैं ये एक ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है और प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करने के लिए का तो ये दो मेन रीज़न्स हैं जिस वजह से ये न्यूज़ में रहा है आप ये न्यूज भी देख सकते हैं अब दामोदर रिवर की बात करें कहाँ से शुरू होता है पालामा हिल्स जो है छोटा नागपुर वहां से एलिवेशन है 609.79 मीटर इतनी एलिवेशन पे ये रिवर है कैचमेंट एरिया इस रिवर का फैन के शेप में है और कंसंट्रेशन फ्लड फ्लोज़ इसके काफ़ी अगर आप देखें मेन झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ये एक लाइफ लाइन है ये रिवर और इसको एक बार तो सौर ऑफ़ बंगाल भी कहा जाता था क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड जो है दामोदर रिवर की वजह से आते थे बंगाल में इसलिए सौर ऑफ़ बंगाल इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे झारखंड में और बंगाल में इस पर डिपेंडेंट हैं दामोदर रिवर बेसिन आप देखिए यहाँ से पूरा देखिए इस एरिया में आपका दामोदर है डैम्स एंड बैरिजे और रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है ये यह आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका दामोदर रिवर है अब सवाल उठ रहे हैं इसकी क्लेंस एंड प्योरिटी पे पहले इसका नाम आता था फ्लडिंग में सौरों था ये किस वजह से फ्लड्स की वजह से फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते थे लेकिन अब दूसरा रीजन इसके साथ अटैच हो गया है जो है पोल्यूशन कि रिवर बहुत ही पल्यूटेड है तो पल्यूशन अब इसका एक सेकेंड मेजर रीज़न बन गया है अब इसकी क्लैनलीनेस और प्योरिटी पे सवाल उठ रहे हैं एक टाइम पे तो ये रिवर इतना साफ था कि इसको देवनाड कहा जाता है पर्टिकुलरली झारखंड में अगर आप देखेंगे इसको देवनाड कहा जाता है देव नदी जैसे हो गया उस तरीके से कहा जाता है लेकिन ये जो रिवर है बहुत ही मिनरल रिच जो इंडिया के रीजन्स हैं वहाँ से फ्लो करके आता है झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए तो बून है एक तरह का वरदान है ये लेकिन माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से एक कर्ज हो गया है इस रिवर पे क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ का जितना पोल्यूशन है वो इस पानी में आके मिलता है और जो लोग नियर बाय रहते हैं उनको नुकसान होता है अब सेवन डिस्ट्रिक्स झारखंड से ये रिवर फ्लो करता आता है लोहारदागा लतेहार रांची, चतरा रामगढ़ बोकारो धनबाद और पांच डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के बंकुरा पुरुलिया बुर्दवान, हावड़ा हुगली और लेंथ टोटल 547 किलोमीटर है और 23,370 स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर्स का कैचमेंट एरिया है जो वाटर पोल्यूशन है रिवर की उसका पोटेंशियल है कि अराउंड 25 मिलियन लोगों को उसका इंपैक्ट पड़ सकता है 25 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं अब डी का पर्पज़ देखिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है एक किस परपज़ पर यह कंपनी शुरू की गई थी आने के लिए अगर आप देखेंगे डीवीसी शुरू में ये कंपनी कॉरपोरेशन इसीलिए बना था कि भाई फ़्लड कंट्रोल करेंगे क्योंकि पहले बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए कहा कि डैम्स बनने चाहिए बैरिज़ बनने चाहिए पानी को स्टोर करने के लिए ताकि हम फ्लड को कंट्रोल कर सकें तो डीवीसी को फ्लड कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था तो मतलब डी का एग्जिस्टेंस ही था फ्लड कंट्रोल के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करी बंगाल में बहुत फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती थी जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और लोगों की जान भी जाती थी 1943 में बंगाल में एक और फ्लड आया और जो बंगाल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने अपॉइंट किया इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई और वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि डैम्स और स्टोरेज रिजर्वास बनवाए जाएं ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हम फ्लड्स को रोक सकें तो मार्च 1948 में आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट आया जिसको सेंटर ने पास किया और फिर डी इस वजह से एग्जिस्टेंस में आई तो अब देखिए डी का पर्पज़ था फ्लड कंट्रोल करना अब दामोदर रिवर में पोल्यूशन क्यों हो रही है फ्लडिंग तो हमको चलो समझ में आ रही है सिल्टेशन हो रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट अब हो गया डिसल्टेसन नहीं करेंगे आने आ, आगे आने वाले सालों में इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी डैम्स की रिजर्वायर्स की बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बहुत फ्लडिंग होगी तो पॉल्यूशन का क्या रीजन है जो रूट है दामोदर रिवर का जैसे मैंने आपको कहा मिनरल रीजन से आता है वो काफ़ी मिनरल रिच रीजन से होते हुए पानी बहता हुआ आता है कोल माइंस कोल वाशरीज हैं रास्ते में थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं स्टील प्लांट्स हैं फर्टिलाइजर्स हैं सीमेंट है केमिकल फैक्ट्रीज हैं इनका जितना का जितना डिस्चार्ज है जितना वेस्ट है इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का वो इस रिवर को बहुत ज़्यादा पल्यूट करता है हिस्ट्री अगर आप पल्यूशन की दामोदर के देखें नाइनटीन में फर्नेस ऑयल स्पिल हो गया आपका बोकारो स्टील लिमिटेड से इस पानी में ठीक है दामोदर में और वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर एरिया तक पहुंच गया जो ओरिजिन से बोकारो से ऑलमोस्ट डेढ़ सौ किलोमीटर जहाँ पे लीकेज हुआ वहाँ से डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पे है काफ़ी टाइम चार दिन तक तो ऑफिशल्स को पता ही नहीं चला और लोग पल्यूटेड पानी पीते रहे और फिर पता चला कि इतना पोल्यूशन कंटामिनेशन हो गया पानी में 2019 में फरनेस ऑयल रिवर में 41 वन आवर्स तक यहाँ पे दामोदर में चल रहा था उसके बाद आपने दामोदर बचाओ आंदोलन भी देखा एक्टिविज्म ग्रुप यहाँ पर शुरू हुआ और इसकी वजह से एन ने फाइन भी किया कि आपने रिवर को पल्यूट किया है लेकिन फ़ाइन करने से भी क्या होगा कितनी बार फाइन करोगे सेप्टेम्बर ट्वेल्व टू थाउजेंड नाइनटीन में फ्लाई एश पॉन्ड ऑफ बोकारो थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई एश पॉन्ड जो है वो रपच्चर हो गया और उसका इम्पैक्ट रिवर पर देखा गया फिर थ्री मेंबर कमेटी बिठाएगी, कंस्ट्रक्ट की गई और उन्होंने देखा कि ये जो फ्लाई एश पॉन्ड है बोकारो थर्मल पावर प्लांट का इसके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है और ये अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी नहीं चल रहा फिर से एन ने क्या किया फ़ाइन इम्पोज़ किया दूसरी बार देखिए फिर से फाइन हो रहा बीच में कई बार और हुआ पेपर में इस तरह के बहुत ज़्यादा पब्लिश हो चुके हैं रिसर्च ऐसी आ चुकी है जहाँ पे यह बताया जाता है कि दामोदर रिवर का पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने के लिए भी सही नहीं है पीने में कंटामिनेशन तो होगा ही होगा नहाने के लिए भी सही नहीं है एक और रिसर्च पेपर जो कोविड 19 लॉकडाउन का क्या असर पड़ा क्वालिटी ऑफ दामोदर रिवर में पोल्यूशन वाटर इंडेक्स देखा गया प्री लॉकडाउन में 100 परसेंट सैम्पल्स हाईली पोल्यूटेड थे लॉकडाउन में थोड़ा फ़र्क पड़ा लेकिन देखिए कितना ज़्यादा पल्यूशन यहाँ पे था कुछ और कंक्लूजन इस सारी बातों से हम निकाल सकते हैं कि दामोदर का पानी कंटामिनेटेड सिर्फ पीने के लिए ही नहीं नहाने के लिए नहीं यानी ह्यूमन यूजेज अगर ह्यूम उसको किसी भी प्रकार से यूज़ करते हैं वो फिट नहीं है अपर कैचमेंट एरिया जो है सिंहभूम के आसपास वहाँ पर यूरेनियम माइन्स हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेडियो एक्टिव सब्सटैंस से भी ये पानी पोल्यूट हो रहा है तो दामोदर आप देखिए फ्लडिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा पल्यूशन बहुत ज़्यादा पल्यूट हो गया कंटामिनेटेड हो गया तो अब पॉसिबिलिटी थर्ड है रेडियो एक्टिव सब्सटैंस से पोल्यूशन भी हो सकती है तो वर्स्ट वाटर क्वालिटी इसके सिक्स लोकेशन में देखी गई यहाँ पे बैक्टीरियम टोटल कॉलीफॉर्म यहाँ पे कंटामिनेशन मिली इस बैक्टीरिया से और बाकी जगह से भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है तो यही है कि ये बहुत ही कंटामिनेटेड पोल्यूटेड वाटर है अब डीवीसी का रोल यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि डीवीसी क्या कर रही है आखिर डीवीसी को शुरू में ये भी सोचा गया था कि जो दामोदर को पल्यूट करेंगे आप उसको पनिश कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डीवीसी डी खुद ही पल्यूटर बन के बैठी है डीवीसी वी सी प्राइमरली इस्टेब्लिश की गई थी फ्लड कंट्रोल के लिए और बाकी के इसके जैसे पर्पज़ थे इरीगेशन पावर प्रोडक्शन टाइम जैसे जैसे पास होता गया मेजर पावर प्रोडक्शन कंपनी बन गई डीवीसी और सेवन थर्मल और दो हाइड्रो पावर प्लांट्स के हैं फ्लाई एश जो थर्मल पावर प्लांट से आती है मेजर रीजन है पॉल्यूशन जो दामोदर रिवर का है कोल फ्लाई ऐश क्या है ये आपके कोल का एक बाय प्रोडक्ट है गुड स्ट्रक्चरल क्वालिटी इसकी होती है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स वॉलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रेडियो एक्टिव सॉलिड्स रहते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं होते और डी वी सी आप देख लीजिए खुद ही अब करिए अब सल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का कि डी वी सी हैज़ अग्रीड टू स्टॉप पैसेज ऑफ इट्स वेस्ट इन टू वाटर डी वी सी मान गया कि वो अपना वेस्ट जो है वो इस रिवर में नहीं देगी और एक सीवेज प्लांट सेम काम के लिए कंस्ट्रक्ट करेगी टेंडर भी यहाँ पे पास हुआ है कि uh, लेकिन उसका अभी पता नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है कि ममता बनर्जी ने डी वी सी पे ब्लेम लगाया डी ने फिर से ममता बनर्जी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे लगाया उन्होंने कहा कि हम पानी तो छोड़ ही नहीं सकते जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं हमको बोलेगी तो ये हम पे फ्लडिंग का आरोप यहाँ पे क्यों लग रहा है राइट right? लेकिन डी को यहाँ पे ये यह समझना पड़ेगा कि इनके जो बैरेजेज़ हैं जो सिस्टम्स हैं वो बहुत पुराने हो गए उनको मरम्मत की ज़रूरत है डिसल्टेसन की ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने की ज़रूरत है कि जो इतना पानी यहाँ पर यह सब इस अब इस टाइम पर एक बिग चैलेंज बन के है सबके सामने कंसर्न्स क्या हैं कि रिवर जो है पानी कंटेमिनेट हो रहा है नंबर वन कंसर्न है पीने के साथ साथ नहाने के लिए ह्यूमन यूजेज के लिए भी सही नहीं है और लोकल जो लोग हैं उनको ये पोल्यूशन उनकी हेल्थ और इकोनॉमी दोनों पे भारी पड़ रही है डीवीसी वी फ्लड कंट्रोल करने में कितनी एफिशिएंट है एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई और टू थाउजेंड में उन्होंने बोला कि 3500 करोड़ चाहिए अगर हमको डी सिल्टिंग करनी है सिल्टेशन को हटाना है 3500 करोड़ चाहिए एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि अगर इसी तरह से सिल्ट ये 2013 की बात है यहाँ पे होती रही तो आगे आने वाले 10 सालों में यहाँ पे बहुत फ्लड्स आएंगे जिनको कोई नहीं रोक पाएगा और ऑलमोस्ट आठ साल तो आप देख लीजिए ज़्यादा टाइम हो चुका है उससे और कमेटी का एस्टिमेट है कि अमाउंट जितनी सिल्ट की यहाँ पे है इज सिक्स टाइम्स द प्रिस्क्राइब रेट एंड मोर देन नाइन टाइम्स इन मैथान रिजर्वास और ये सिल्टेशन रही तो ये यह देखिए यहाँ पे दस साल का टाइम दिया कि दस साल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगी और जो मेन पर्पस था डीवीसी को बिल्ड करने का वही ख़त्म हो जाएगा कि हम फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पोल्यूशन से एक बार फिर से सौरव बन जाएगा दामोदर फ्लडिंग के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंटिया डीवीसी इंक्लूड थर्मल एंड गैस पावर स्टेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या टेलीग्राम पे इसका आंसर uh, आपको मालूम चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच